नमस्कार दोस्तों, अपडेट 2018 की तैयारी के क्रम में आज हम जो वीडियो लेकर आपके लिए उपस्थित हैं वो सिलेबस पर आधारित है जो कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, अपडेट 2018 के ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है, 18 सितंबर 2018 से जारी है। दोस्तों, आप बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साइट पर जाके वहाँ से दिशा निर्देश व मार्गदर्शी सिद्धांत जो कि सिलेबस के रूप में है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे सावधानी के साथ आप फॉर्म भरें। दोस्तों, इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं इस परीक्षा के लिए। पहली यह है कि यह बीएड परीक्षार्थियों के लिए, बीएड अभ्यर्थियों के लिए भी खोल दिया गया है, इसे पर्याप्त अवसर हैं और लगभग 97,000 सीटों की शायद भर्ती हो। और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि जो इसकी विषय वस्तु रहेगी परीक्षा की, वो आपकी बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जो पाठ्यक्रम पर आधारित किताबें हैं उन पर आधारित रहेंगी, हालांकि उसका जो कठिनाई का स्तर रहेगा वो इंटरमीडिएट स्तर का रहेगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, करके आप जुड़े रहें, जिससे आपको फ़ायदा होगा कि बराबर आने वाले वीडियो आपको मिल सकते हैं आसानी से, और आपको बराबर वीडियो के माध्यम से हम पूरे पाठ्यक्रम और विषय वस्तु को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज प्राइमरी स्तर पर जो ये सिलेबस है उसको देख लेते हैं। बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ 30 प्रश्न हैं। यह बाल विकास में पहला जो है बाल विकास है, ध्यान से देखते रहें, आप स्क्रीन पर आपके सामने है। बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र, बाल विकास की अवस्था, शारीरिक विकास, मानसिक, संवेगात्मक, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम आदि हैं। इसके आगे इसमें सीखने का अर्थ सिद्धांत, जो अधिगम के सिद्धांत व कारक व विधियों पर आधारित है। अगला है इसमें अधिगम के नियम, जो कि थार्नडाई के सीखने के मुख्य नियम पर आधारित है, उसके महत्व पर। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत इसमें हैं और उनकी कक्षा शिक्षण में व्यावहारिक उपयोगिता, थार्नडाई का प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसोद, कोहलर का सोच या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, व्यागोट्स्की का सिद्धांत और सीखने के पठार आदि। शिक्षण की विधियों पर आधारित है, शिक्षण सूत्र है, शिक्षण कौशल है और शिक्षण की उपागम, अर्थ, उद्देश्य, संप्रेषण आदि भी शामिल हैं। समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श भी इसमें शामिल है, जो कि आप देख सकते हैं इस पे समावेशी बच्चों के लिए विशेष शिक्षा की जो व्यवस्था है उस पर आधारित है, और इसमें सहयोग देने वाली संस्थाएं हैं, ये आपके स्क्रीन पे आगे आप देख सकते हैं। अधिगम और अध्यापन में इसका क्या महत्व है इस पर आधारित है। बालक के सोचने और विद्यालय प्रशासन में कैसे सफलता प्राप्त करते हैं, क्यों असफल होते हैं, इसके बारे में है। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाओं पर है। एक समस्या समाधानकर्ता, एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, प्रेरण अधिगम भी शामिल है। अधिगम के कारक निजी और पर्यावरणीय। अगला जो दूसरा चैप्टर है वो दूसरा है भाषा से, यह हिंदी जो कि अनिवार्य है, इसमें 30 प्रश्न हैं। अपठित अनुच्छेद रहेंगे, हिंदी वर्णमाला, स्वर व्यंजन, मात्रा, मात्रिक शब्दों की पहचान, ध्वनियों, जो फोनोटिक्स पे आधारित है। ये हिंदी भाषा की सभी ध्वनियाँ वर्ण अनुनासिक छंद बिंदु में अंतर, संयुक्ताक्षर, अनुनासिक ध्वनियों के बने शब्द, विराम चिन्ह और चिन्हों का प्रयोग, विलोमार्थी, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत सध्वनियाँ वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि, वचन, लिंग, काल, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव आदि शब्द हैं। लोकोक्ति, मुहावरे, स्वर, संधि भी हैं। वाच्य, समास, अलंकार, कवियों, लेखों की रचनाएं आदि भी शामिल हैं। भाषा विकास का अध्यापन, अब अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत आदि भी शामिल हैं। सुनने बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, बालक इसे किस प्रकार उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए, किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्श, कक्षा में पढ़ने वाले पढ़ाने की चुनौतियाँ,
कठिनाइयाँ त्रुटियाँ उनका निवारण, भाषा कौशल, बोलना सुनना पढ़ना लिखना, अध्यापन सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया आदि उपचारात्मक अध्यापन। दूसरा भाषा का जो भाग है वो 30 वर्ष के लिए है। इसमें 3 भाषाएँ हैं, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू। आप अंग्रेजी में भी देख सकते हैं, अनसीन पैसेज है, सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंस, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस, पंक्चुएशन, एक्टिव पैसिव, सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर आदि सभी शामिल हैं। उर्दू विषय में आप देख सकते हैं, इसके साथ संस्कृत का भी है जो कि देख सकते हैं आप। भाषा विकास का अध्यापन, इसमें भाषा विकास से संबंधित है, अधिगम अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत हैं, सुनने बोलने की भूमिका में, बालक इसे किस प्रकार के उपकरण के रूप में प्रयोग करता है, जिसे आप पिछले जो हिंदी भाषा में आप देख चुके हैं, सेम चीज़ लगभग वही है। अब आती है गणित की बारी। गणित में संख्याओं में जोड़ घटाना, लघुत्तम, महत्तम, भिन्न, दशमलव, जो कि बेसिक गणित है, एक एक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति, धन मनी, मापन, परिमाप, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, क्षेत्रफल, रेलवे, बस, समय सारणी, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण, गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन उत्तर शक्ति, पैटर्नों का अर्थ निकालने, अधिगम की कार्यनीतियों को समझना, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक अनौपचारिक पद्धतियाँ, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण, नैदानिक उपचारात्मक शिक्षण देखते हैं। इसके आगे पर्यावरण अध्ययन है जो कि 30 प्रश्न है। इसमें विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण आदि से संबंधित प्रश्न शामिल रहेंगे। परिवार, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति, व्यवसाय, जल, यातायात, संचार, खेल, खेल की भावना, नदी, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप, महासागर आदि शामिल हैं। प्रदेश में हमारा प्रदेश, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, संविधान, शासन व्यवस्था जो कि नागरिक शासन है, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर, जिला पंचायत, नगर पालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संचय, संचालित योजनाएँ आदि शामिल हैं। अध्यापन संबंधी मुद्दे में पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति, पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन, अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, उपकरण, समस्याएं आदि। अब आते हैं जूनियर पे। लगभग जूनियर में जो पहला बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ हैं, लगभग सेम वही पोर्शन है, थोड़ा सा उसका स्तर ऊपर हो सकता है। आप देख सकते हैं बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, तब बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक, संयोगात्मक, भाषा का विकास, लगभग सेम क्वेश्चन पोर्शन वही है जो कि प्राइमरी में है, सेम आप देख सकते हैं वही सेम है। अब जो मुख्य जो अंतर शुरू है वो हिंदी में, हिंदी का स्तर थोड़ा ऊपर है, संज्ञा संज्ञा के भेद, सरनाम सरनाम के भेद, विशेषण विशेषण के भेद, क्रिया क्रिया, वाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य, अव्यय अनुनासिक अनुस्वार का प्रयोग, र के रूप, वाक्य निर्माण, विराम चिन्ह, वचन, लिंग, काल, कुछ मिलता जुलता है मगर थोड़ा स्तर ऊपर है जूनियर में। मुहावरे, लोकोक्ति, सकर्मक, संधि, समास, अलंकार देख सकते हैं आप। भाषा का जो विकास अध्यापन का लगभग सेम है। इंग्लिश में भी अनसीन पैसेज है, हाँ थोड़ा इसका एक पोर्शन बढ़ा दिया गया है, नाउन एंड सेकंड, प्रोनाउन एंड सेकंड्स, वर्ब्स एंड सेकंड्स सब बढ़ चुके हैं इसमें, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सिंगुलर, प्लूरल, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, मस्कुलिन, फेमिनिन, जेंडर, पंक्चुएशन, सफिक्स आदि, फ्रेजल वर्ब, समबडी, नोबडी, एनीबडी का प्रयोग, पार्ट ऑफ स्पीच, नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सिंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स आदि सब शामिल हैं, साइलेंट लेटर्स इन वर्ड, उर्दू के भी आप देख सकते हैं। उर्दू में भी आप देख सकते हैं। इसके बाद संस्कृत, संस्कृत में
अष्टतम छेद संधि स्वर व्यंजनम, समास लिंग पर्यायवाची विलोम कारक अलंकार वाच्य प्रत्यय आदि संज्ञाएं, सर्वनाम विशेषण धातु, भाषा अध्यापन के सिद्धांत आदि, सुनने बोलने की भूमिका आप देख सकते हैं सीधे इसमें भी। बस वही स्तर थोड़ा ऊपर कर दिया गया है, थोड़ा स्तर ऊपर है। हाँ, अब गणित विज्ञान के लिए है, जो जूनियर में गणित और विज्ञान लेंगे 60 प्रश्नों का ही है, या तो आप गणित विज्ञान लें या सामाजिक विषय। देख सकते हैं इसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, वर्गमूल, घनमूल, सरसंख्याएं, बीजगणित की अवधारणा, युग्मक समीकरण, समांतर रेखा, चतुर्भुज, वृत्त, वाणिज्य गणित, बैंकिंग, सांख्यिकी, कार्तीय तल, मेंसुरेशन, घातांक आदि, गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित विज्ञान में आप देख सकते हैं, बायोलॉजी से भी है आपका, फिजिक्स, कंप्यूटर भी है, प्रकाश प्रकाश यंत्र, वायु जल, केमिस्ट्री से भी कोई प्रश्न है देख सकते हैं आप, और अध्यापन संबंधी मुद्दे जो कि विज्ञान प्रकृति की रचना, प्रकृति विज्ञान लक्ष्य और उद्देश्य, विज्ञान को समझना, उसकी सराहना करना, प्रेक्षण, प्रयोग, अन्वेषण, विज्ञान पद्धति, पाठ्यचर्या, सहायक सामग्री, आप सामाजिक अध्ययन पे आते हैं इसमें, इतिहास, इतिहास जानने के स्रोत, पाषाण काल जो कि प्राचीन इतिहास से है, भारत के प्रारंभिक राज्य मौर्य कालीन, इस्लाम, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, अंग्रेजी राज्य की स्थापना, भारत में कंपनी राज्य, भारत में नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन, और नागरिक शास्त्र में हम और हमारा समाज, ग्रामीण नगरी समाज, रहन सहन, जिला प्रशासन, यातायात, सुरक्षा, हमारा संविधान, केंद्रीय राज्य शासन व्यवस्था, लोकतंत्र, सुरक्षा, विदेश नीति, भूगोल में सौरमंडल मानचित्र, विश्व में भारत, भारत के भौतिक स्वरूप, मृदा, वनस्पति, वन्य जीव, भारत की जलवायु, उत्तर प्रदेश का भी विशेष है इसमें, धरातल के रूप बदलने के कारक, वायुमंडल, जलमंडल आप देख सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण, प्रकृति, संसाधनों की उपयोगिता, प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या वृद्धि, अवशिष्ट प्रबंधन, आपदाएँ, पर्यावरणविद, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण कैलेंडर, गृह शिल्प, गृह विज्ञान से भी कोई प्रश्न है, प्रश्न आएंगे आपके, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पोषण, खाद्य पदार्थ संरक्षण, प्रदूषण, पाचन, गृह प्रबंधन, सिलाई कला, पाक कला, बुनाई कढ़ाई आदि शामिल है। शारीरिक शिक्षा में व्यायाम, योग, प्राणायाम, मार्चिंग, राष्ट्रीय खेल दिवस पुरस्कार, छोटे एवं मनोरंजनात्मक खेल, अंतर्राष्ट्रीय खेल, खेल और हमारा भोजन आदि शामिल है। प्राथमिक चिकित्सा, संगीत में स्वर, राग, संगीत, लय, वंदना, देशगान, उद्यान, मृदा फल संरक्षण में से है, बाग लगाना, सब्जी की खेती, फल परीक्षण, फल संरक्षण, जलवायु विज्ञान, फसल चक्र, अध्यापन संबंधी मुद्दे भी हैं, कक्षा की प्रक्रिया, क्रियाकलाप, व्याख्यान, विवेचित चिंतन का विकास करना, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पढ़ाने की समस्याएं, प्रोजेक्ट का मूल्यांकन। आप देखें स्पष्ट लिखा है यहाँ पे, कक्षा 1 से 8 तक की विस्तृत पाठ्यचर्या के लिए कृपया बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों का अवलोकन करें। दोस्तों आप कोशिश करें कि बेसिक शिक्षा परिषद की जो किताबें हैं 1 से 8 तक की आपको मिल जाए, अगर नहीं मिल पाती हैं तो आप एक प्ले स्टोर पर एक ऐप्स है जो कि दीक्षा नाम से है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल में, और उससे आप समस्त पाठ्यक्रम पा सकते हैं। हम भी कोशिश करेंगे आपको अधिक से अधिक सामग्री देने के लिए, आप हमसे जुड़े रहें, बराबर आपको वीडियो के माध्यम से पाठ्य सामग्री जरूरी और महत्वपूर्ण दी जाती रहेंगी। अगले वीडियो तक आपको नमस्कार और साथ बने रहने के धन्यवाद।